किसी के घर में घुस गया, उसके घर में से वापस नहीं आया बाहर, तो उठा के लाना पड़ता फिर थैले में डाल के। खाली वो बेचारा बुजुर्ग बुड्ढा सैयद सलीम बेचारे, उम्र जो है उनकी देखो, सीनियर सिटीजन का कार्ड है उनके पास, उनको घरों में घुस जाता हूँ, छोटे बच्चे को, वो क्या नाम बच्चे का, वो हमारे सफदर का, सफदर को घर में घुस जाता हूँ, इलिया शमजी को घर में घुस जाता हूँ, कितनों के घरों में घुसता है भाई, किसी घर में घुसेगा वापस नहीं निकलेगा, मुश्किल हो जाएगी। मैं इससे पहले बोला था ना जी, ये क्या है देखो, जमात का नशा है ये जी, ये बच्चों की जो पैदाइश है ना जी, जिस वक्त ये बच्चों की पैदाइश हुई जी, उस जमाने का रोड शीटर हूँ मैं। अच्छा, हाथ को लगे तो आटा गूंदेगा, गूंद लेता हूँ किसी दिन, क्या नाम बच्चे का, वो हमारे सफदर का जी, हाँ सफदर को घर में घुस जाता हूँ, इलिया शमजी को घर में घुस जाता हूँ, कितनों के घरों में घुसता है भाई, किसी घर में घुसेगा वापस नहीं निकलेगा, मुश्किल हो जाएगी। किसी के घर में घुस गया, उसके घर में से वापस नहीं आया बाहर, तो उठा के लाना पड़ता फिर थैले में डाल के। क्या है, अपनी आंखों से वो मंजर देखा सो हूँ कि जो लोग मस्जिद के नाम पे पैसा खाए, अपने हाथों से खुद की गलाजत खाते हुए ये ख्वाजा बिलाल अहमद की आंखें वो मनाजर देखी सो है, ये वो मस्जिद का पैसा खाए तो इतना बड़ा अजाब हम दुनिया में अपनी आंखों से देखे सो है, ये तो मस्जिद अक्सा की बात है भाई, क्या नाम बच्चे का, वो हमारे सफदर का जी, हाँ सफदर को घर में घुस जाता हूँ, इलिया शमजी को घर में घुस जाता हूँ, कितनों के घरों में घुसता है भाई, किसी घर में घुसेगा वापस नहीं निकलेगा, मुश्किल हो जाएगी। ऐसी की दादागिरी चल रही होंगी, मैं इससे पहले बोला था ना जी, ये क्या है देखो, जमात का नशा है ये जी, ये बच्चों की जो पैदाइश है ना जी, जिस वक्त ये बच्चों की पैदाइश हुई जी, उस जमाने का रोड शीटर हूँ मैं। अच्छा जी, हाथ को लगे तो आटा गूंदेगा, गूंद लेता हूँ किसी दिन, सही बात। अरे भाई यहाँ पे सलीम साहब एक वीडियो बनाया तो सलीम साहब का पासपोर्ट सस्पेंड हो गया था, ठीक है, 35-35 केसेस रख के आप पासपोर्ट आपका है और पुलिस राउडी शीट खुला रखी, पीडीएफ पड़ा उसका, पासपोर्ट कैसा रहता, ऑनलाइन आके पूछे पैसा सबसे जी, हाँ देना पड़ता पैसा जी, हाँ जवाब देना पड़ता, एक एक रुपए का हिसाब बताना पड़ता जी, जैसा वली रहमानी पूछा था उसके बाद एक एक रुपए का हिसाब बताया जी, जानते वली रहमान ने को एक स्कूल बना रहा हूँ, उनके बच्चा पैसे दिया था 7 दिन में 7 करोड़ बच्चे को, वाह वाह वाह, उसके बाद बच्चा पूरा एक एक रुपए का हिसाब बताया बैंक के, सही बात है, तो वैसा जो है जब किसी से पैसा पूछते ना तो हिसाब बताना पड़ता जी साहब, अब वो पैसा देने वालों को अक्ल नहीं है, लेने वालों को अक्ल नहीं है। अच्छा, RBI गाइडलाइंस की बात सब जने करते जी, जब हम दारूसलाम बैंक के सूद की बात करें तो लोग आगे हमको बोलते हैं RBI गाइडलाइंस है, इंटरेस्ट लेना RBI का गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, बोलते सब जने जी, वही RBI के गाइडलाइंस में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन क्या बात बोलते पूछो, नरेंद्र मोदी इजाजत दिलाना पड़ता, अब नरेंद्र मोदी से ताल्लुक जिसके अच्छे है बच्चे उन लोगों के साथ है, दिलाते होंगे नरेंद्र मोदी साहब को बोल के, हमारे हैदराबाद के साहब परमिशन दिलाते होंगे। अस्सलाम वालेकुम फजलुल्लाह साहब। वालेकुम सलाम, तबियत वगैरह कैसी है साहब? अल्लाह का एहसान है। अजाबुल्लाह साहब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये लोग बोल रहे हैं घरों में उसके मारने बोलते हो, उम्मीद से पहले क्वेश्चन करे, क्वेश्चन के ऊपर इतना वायरल बवाल कर दिए जी, आजकल तुम भी जो है बहुत डेंजर हो गए। अरे भाई मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं, आवाम के बीच में है, लोग सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपका भी काम है सवाल का जवाब देना। सुनो ना, तुम्हारे आजकल तुम्हारे रिकॉर्डिंग में बहुत वायरल हो जा रहे हैं, क्या करेंगे, चाहने वाले बहुत है साहब हमारे, अच्छा है लेकिन मगर ये हक की रास्ता बदलो मत जी साहब, कभी जिंदगी में हक का रास्ता छोड़ो मत बोला, फिर भी नहीं अल्लाह ताला अगर किस्मत में अगर मौत लिखा तो जरूर मरेंगे अपन, मगर अच्छे काम करके मरेंगे अपन, जन्नत के दरवाजे में जो है जैसा हक का काम करते हुए शहादत ले लिए ना जी, वैसी जो है शहादत की मौत अल्लाह आपको भी दे मुझे भी दे। सवाल कर लिया, क्या है सवाल? ये छे कि ये दोनों बच्चे बोल रहे घर में गुस्से मार रहे, बोल रहे सोशल वर्कर बच्चे को, तो ये ऐसी की दादागिरी चल रही होंगी। मैं इससे पहले बोला था ना जी, ये क्या है देखो, जमात का नशा है ये जी, ये हर एक का एक नशा अलग अलग रहता जी, अफीम पीने वालों का एक अलग रहता, गांजा पीने वालों का अलग रहता, चाय पीने वालों का अलग रहता, सिगरेट पीने वालों का अलग रहता,
जी, शराब पीने वालों का अलग रहता, तो जमात का भी एक नशा रहता जी। वो नशे में क्या होता, कोई बड़ा छोटा, कोई उम्र का लिहाज नहीं जी, किसी से कुछ न रहता, उठा के जो है जो मुंह को आया बोल देते, समझते नहीं किससे बात कर रहे क्या कर रहे जी। घरों में घुस जाते क्या है, चोरे बाता है वो जी। अब देखो कुछ बोला तो फिर दिलों को तकलीफ हो जाती है, सही बात है। लेकिन जो है ऐसे चिचोरों का जवाब अगर नहीं दिए ना, तो चिचोरों की हिम्मतों में और इजाफा हो जाता जी। ये बच्चों की जो पैदाइश है ना जी, जिस वक्त ये बच्चों की पैदाइश हुई जी, उस जमाने का रोडी शीटर हूं मैं। अच्छा, उस जमाने का रोडी शीटर हूं मैं। जिंदगी में जुमला जिंदगी के 2.5 साल जेलों में गुजारा अब तक, और हर एक सेक्शन आईपीसी के जितने केसेस है ना, आईपीसी के जितने जो है सेक्शन है जी, उतने पूरे सेक्शन मेरे पे है, सिर्फ रेप चोरी और जो है 420 चीटिंग लैंड ग्रैबिंग ये छोड़ के। अच्छा, बाकी के पूरे सेक्शन आईपीसी के मेरे ऊपर है जी। हाथ को लगे तो आटा गूंधेगा, गूंध तुम किसी दिन नहीं बात। ये बात ना जो है खाली वो बेचारा बुजुर्ग बुड्ढा सैयद सलीम बेचारे, उम्र जो है उनकी देखो, सीनियर सिटीजन का कार्ड है उनके पास जी। उनको घरों में घुस जाता हूँ, छोटे बच्चे को, वो क्या नाम बच्चे का, वो हमारे सफदर का जी, सफदर को घर में घुस जाता हूँ, इलिया शमजी को घर में घुस जाता हूँ। कितनों के घरों में घुसता है भाई, किसी घर में घुसेगा वापस नहीं निकलेगा, मुश्किल हो जाएगी। सही है बात, किसी के घर में घुस गया उसके घर में से वापस नहीं आया बाहर, तो उठा के लाना पड़ता फिर थैले में डाल के।